बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के पास एक छोटा गांव था। इस गांव में तीन दोस्त रहते थे, राहुल, सिया और अर्जुन। तीनों को रोमांचक और रहस्यमय कहानियां बहुत पसंद थीं। एक दिन उन्होंने गांव के बुजुर्ग दादाजी से एक दिलचस्प कहानी सुनी। दादाजी ने बताया कि जंगल के बीचों बीच एक जादुई झील है जो किसी को भी अपार धन धान्य दे सकती है, लेकिन उस झील तक पहुंचने के लिए बहुत सारे रहस्यमयी और खतरनाक रास्तों से गुजरना पड़ता है। यह सुनकर तीनों दोस्तों ने निर्णय लिया। अगले दिन सुबह सुबह वे अपने बैग पैक करके जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल का वातावरण बहुत ही अद्भुत और सजीव था। चारों ओर पक्षियों की चहचहाहट और हवा में ताजगी थी। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, जंगल और घना होता गया। अचानक उन्होंने देखा कि एक विशाल चट्टान उनके रास्ते को रोक रही है। अर्जुन ने सुझाया कि वे चट्टान के ऊपर चढ़कर रास्ता ढूंढें। वे सभी मिलकर चट्टान पर चढ़ गए और दूसरी ओर उतर गए। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुराना और टूटा फूटा पुल मिला। पुल की हालत देखकर सिया ने कहा, हमें बहुत सावधानी से इसे पार करना चाहिए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़कर पुल पार किया। पुल पार करते ही उन्हें एक गुफा दिखाई दी जिसके अंदर से अजीब सी आवाजें आ रही थी। राहुल ने कहा, यहाँ से ही हमारी असली परीक्षा शुरू होती है। उन्होंने गुफा में जाने का निर्णय लिया। गुफा के अंदर घुसते ही उन्हें चारों ओर चमगादड़ों का झुंड दिखाई दिया। वे डर गए लेकिन हिम्मत नहीं हारी। जैसे जैसे वे गुफा के अंदर बढ़ते गए, उन्हें दीवारों पर पुरानी चित्रकथाएं दिखाई देने लगी। इन चित्रकथाओं में एक रहस्यमय दरवाजे का चित्र था जिसके पीछे झील का रास्ता था। अब उनकी खोज और भी दिलचस्प हो गई थी। उन्होंने गुफा के अंदर गहराई से जाकर उस दरवाजे को ढूंढा। दरवाजा बहुत ही भारी था, लेकिन तीनों की संयुक्त शक्ति ने उसे खोल दिया। दरवाजा खुलते ही उनकी आंखों के सामने एक अद्भुत दृश्य था, एक झील जो चांदी की तरह चमक रही थी। झील का पानी इतना साफ था कि उसमें तारे भी छवि बनाते नजर आ रहे थे। उन्होंने झील के पास जाकर देखा कि वहाँ सच में अनगिनत खजाने और अनमोल रत्न बिखरे पड़े थे। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छूने की कोशिश की, झील के पानी में से एक आवाज आई, यह खजाना केवल उन्हीं के लिए है जो निस्वार्थ भाव से इसकी रक्षा करने का वचन देते हैं। तीनों दोस्तों ने आपस में देखा और एकमत होकर वचन दिया कि वे इस झील और इसके खजाने की रक्षा करेंगे और इसका उपयोग केवल भलाई के लिए करेंगे। अचानक झील के पानी में से एक जादुई रोशनी निकली और तीनों दोस्तों के चारों ओर चक्कर लगाने लगी। रोशनी ने उन्हें एक एक करके अपार ज्ञान और समझ प्रदान की। वे समझ गए कि सच्चा खजाना भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि ज्ञान और समझ में होता है। इस अद्भुत अनुभव के बाद वे गांव लौट आए और अपनी कहानी सबको सुनाई। गांव के लोग उनकी बहादुरी और समझदारी की सराहना करने लगे। तीनों दोस्तों ने अपनी सीख को जीवन में अपनाया और गांव की भलाई के लिए काम करने लगे। इस तरह जंगल की रहस्यमयी यात्रा ने उन्हें और गांव के लोगों को यह सिखाया कि सच्चा खजाना निस्वार्थता और ज्ञान